लोग तो वो एक्सपायर होगा और पांच छह लोग घायल है और इतनी लापरवाही से ड्राइविंग, नशा या नींद कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो, एक डिवाइडर जब बोल के दूसरे डिवाइडर को कूदती हुई जब आके इधर जो है रेजिडेंस में आ गई। घायलों को कहाँ भेजा गया? घायलों को देवराजपुर मेडिकल में भेजा गया। क्या स्थिति है घायलों की? क्या स्थिति? भाई तो देखो जाके वही वो होगा, बट ये है कि एक तो कन्फर्म यही जो मर चुका था, पाँच छह लोग अच्छे घायल है। सर आज की तारीख में सुबह एक हादसा हुआ है, सड़क हादसा, क्या है पूरा मामला सर, कितने लोगों की डेथ हुई? इसमें सुबह तीन लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, जो दो तितावी अमीनगर के रहने वाले थे, एक कोतवाली क्षेत्र का, आपस में रिश्तेदार भी थे मजदूरी के लिए। शामली की तरफ से एक ट्रक आ रहा था, संभवतः उसका कोई गुल्ला वगैरह निकल गया था, कोई टेक्निकल फॉल्ट आया जिससे कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ट्रक ने इन तीनों को कुचल दिया है। ट्रक भी पलट गया था वहाँ पर और इस दुखद हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है। पीएम करा के जो भी कानूनी कार्रवाई है कराई जा रही है। मंसूरपुर में भी आज सुबह करीब 5-6 बजे के करीब एक हादसा हुआ है जिसमें एक वरना कार जो हरिद्वार की तरफ से जा रही थी, वो संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है ड्राइवर को नींद आ गई थी क्योंकि वो डिवाइडर पर चढ़ के और एक दुकान में घुस गई, वहाँ भी हादसे में एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, दो तीन लोग घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। इसमें भी जांच की जा रही है तथा पीएम कराने के बाद जो भी अग्रेतर कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई की जाएगी।